अनुसार वसंत ऋतु के आगमन पर हम आज जिस वृक्ष की वंदना करने जा रहे हैं वो है अशोका वृक्ष। अशोका वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना गया है। कामदेव ने अपने 5 बाड़ों में से तपन के लिए अशोक वृक्ष के फूल का ही चुनाव किया। अशोक वृक्ष साक्षी है भगवान बुद्ध के जन्म का और भगवान महावीर के निर्वाण का। इसी वृक्ष के नीचे पहली बार मिले थे माता सीता और भक्त हनुमान। स्त्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी, उनके सारे दुखों तकलीफों को दूर करने वाला ये वृक्ष। तो चलिए आज इस वृक्ष के हम अभिवंदना करते हैं। Ashoka tree. At the time of dawn, you open to the drops of rain, born as an evergreen in the rainforest, living throughout India and Sri Lanka. Rising straight into the sky, like a seeker raising the awareness into the abode of God. Dressed in long leaves and dark brownish black bark, blooming in the spring, pink and yellow-orange flowers. Offering delightful fragrance to all, turning red like the color of blood. As a uterine tonic, you heal the feminine, bringing hope and joy to all women. Taking away grief and sorrow, you are sacred, dedicated to the God of love. Wild and free, filled with Shakti power, named like the female deities of the Jainas. Blessed for witnessing the birth of the Buddha, blessed for witnessing the first meeting of Sita and Hanuman, you are loved, you are loved. Ashoka tree, Ashoka tree, Ashoka tree. ऐसा माना जाता है कि ससोका नामक एक नरभक्षक भी हुआ करता था, जो जंगल से गुजरने वाले सारे राहगीरों को पकड़कर लूट मार करता, उन्हें मार पीट कर खा जाता। एक दिन उसने जंगल के दूसरे छोर में एक कुटिया देखी और कौतूहलवश वो उस कुटिया की ओर गया कि शायद उसे वहां अपना कोई शिकार मिल जाए। अंदर जब उसने देखा तो इसे एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई। उस साधु को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने उस साधु से अपनी मुक्ति की प्रार्थना की। साधु ने कहा कि तुम्हें मुक्ति देना मेरे समर्थ में नहीं है, लेकिन जब पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतार राम के रूप में जन्म लेंगे तब तुम्हारा जन्म रावण के यहाँ अशोक वृक्ष के रूप में होगा। रावण माता सीता का अपहरण करके जब तुम्हारे पेड़ के नीचे माँ सीता को शरण मिलेगी तो तुम उनके शोक दूर करोगे और जिस दिन
हनुमान जी की भेंट माँ सीता से पहली बार होगी, उसी दिन तुम्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। इसी कथा को हमने अपने इस नृत्य द्वारा दिखाने की कोशिश की। தாதா தாதா தாதா